हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लाया हूँ एक वॉल मिक्सचर जो कि जैकवर ब्रांड का होने वाला है एंड उसके क्या फंक्शंस हैं, उसमें हॉट एंड कोल्ड प्रोविजन का आउटलेट इनलेट्स कैसे है एंड कैसे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे ओवरहेड चार्ज चला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग के साथ एंड मैं आपको उसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये है हमारा जैकवर का वॉल मिक्सचर। ये ओवरहेड शार, अब इसके क्या फंक्शंस हैं, ये कैसे ऑपरेट होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अब ब्रीफली। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेशन है, इसके ऊपर लिखा है सी, उसका मतलब है कोल्ड वाटर। एंड सेकेंड आप देखेंगे यहाँ पे एच का इंडिकेशन है, ये हॉट वाटर को इंडिकेट करता है। एंड ये सेंटर में एक लीवर दिया हुआ है, इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा फंक्शन वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारा ये कोल्ड वाटर का ये हमारा लीवर है जो इंडिकेट करता है कि हमारा स्पाउट चलेगा या हमारा इस बैंड के थ्रू ओवरहेड शार्ट चलेगा। तो सबसे पहले ये जो इसका लीवर है, हम इसको लेफ़्ट साइड करते हैं। लेफ़्ट साइड करेंगे तो हमारा स्पाउट से पानी आएगा। अगर हम इसे ऑन करते हैं कोल्ड वाटर को, तो इस स्पाउट के थ्रू कोल्ड वाटर आएगा। एंड अगेन अगर हम हॉट वाटर को खोलते हैं तो हॉट वाटर आएगा इस स्पाउट के थ्रू। एंड अगर हम दोनों को हाफ हाफ खोलते हैं अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो हॉट एंड कोल्ड मिक्स होके आएगा इस स्पाउट के थ्रू। एंड अगर हम इसे सेंटर में कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ना इस स्पाउट से पानी आएगा और ना ये बैंड से पानी आएगा, ये बैंड भी ऑफ हो जाएगा। एंड अब हमारी आती है बारी ओवरहेड शार की। तो अगेन यहाँ पर आप इंडिकेशन देखेंगे, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे तो ओवरहेड शार का इंडिकेशन दिया हुआ है। तो अगर हम इसे राइट की साइड करेंगे ट्विस्ट, देन अगेन अगर हम इसको ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोल्ड वाटर आएगा ओवरहेड शार से। ये हमारा जैकवर का ओवरहेड शार है, ये 8 इंचिस का शार है। एंड इसके साथ ये आर्म, स्क्वायर आर्म। और अब अगर हम इसे लेफ़्ट साइड हॉट वाटर ऑन करेंगे तो हमारा ओवरहेड शार में से हॉट वाटर आएगा। एंड अगेन अगर हम इसको दोनों नॉब्स को, हॉट एंड कोल्ड वाटर की नॉब्स को दोनों को हम हाफ अप खोलेंगे अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए हॉट का और कोल्ड का, तो हम दोनों को हिसाब से खोलेंगे तो हॉट एंड कोल्ड वाटर मिक्स होकर आएगा ओवरहेड शार में से। तो गाइस, ये काफ़ी इजी है। जैसे नॉर्मल टैप्स होते थे पहले, इस टाइप के टैप्स, इनमें हमारा हॉट एंड कोल्ड मिक्स करना पड़ता था अलग अलग। तो इसमें हमारे वॉल मिक्सर में कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर मिक्स होके आता है एक स्पाउट के थ्रू। एंड दूसरा, अगर हमें ओवरहेड शार चलाना है तो ओवरहेड शार भी इस नॉब्स के थ्रू हमारा टेम्परेचर सेट हो जाएगा और उसमें से भी हमारा हॉट एंड कोल्ड मिक्स होके आएगा वाटर। तो गाइस, आपने देखा कि एक वॉल मिक्सचर को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कैसे हॉट एंड कोल्ड का प्रोविज़न को हम सेट कर सकते हैं, कैसे ओवरहेड शार चला सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी एक नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।